कुछ और रियल लाइफ हीरोज ने भी ज्वाइन किया है वी हैव डॉक्टर सॉरी मिस्टर मोहम्मद सईद शमसी बेदस एक्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रेजिडेंट रोटरी इंटरनेशनल असलम बीन सर्विंग फॉर्म द लास्ट फोटी ईयर्स वॉल्टरली फॉर वेलकम टू द शो सर इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अरहम ने इन्होंने डिजिटल शर्ट बनाई है इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने कैसा मतलब ये इतना आर्टिस्टिक काम है और काफी डिफरेंट uh, चीज़ है साइंटिफिक चीज़ है जी अरहम

वो तो पाकिस्तान में ये काम नहीं था तो मैंने इसको प्रमोट करने के लिए ये काम किया वेरी नाइस और मैं चाहूँगी कि आप हमें शर्ट दिखाएं भी और कितना टाइम लगा आपको ये प्रॉपर शर्ट बनाने में सिक्स मंथ सिक्स मंथ्स शर्ट दिखाएं हमें अच्छा ये पहनने के अलावा किस काम आती है आप इसको डिजिटल क्यों कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए ये hmm. जो डिसेबल लोग बोल तो बोलने है उसको लिए ये शर्ट तो इसको से क्या होता? है मैसेज करने से आप शर्ट को मतलब इसमें कोई वायरिंग है सेंसर है जो आपके फोन से कनेक्ट होगा और फिर आप इसके इसको पहनने के बाद बोल सकेंगे या क्या होगा हो है। है। अच्छा, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते हैं है। वो फोन में टाइप करेंगे हाँ। कुछ और वो यहाँ से कनेक्ट और इसके ऊपर वो चीज आना शुरू हो जाएगी जो बोलना चाह रहे हैं जैसे छोटे बच्चे हैं वो मार्केट जाते हैं उसका साथ में छोड़ने के लिए फार्मेसी में जाता है अपनी मेडिसिन का नाम नहीं तो वो नेम यहां नहीं। तो वो हो ही नहीं आसानी होने ही लेने में ब्रिलियंट अब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा कैमरा में इसको ज़रा ऊपर करके दिखाएं कि जो टेक्स्ट चल रहा है वो कैसे है और कैसे लोग इसको पढ़ सकते हैं मोबाइल फ़ोन से बहुत ही टेक्निकल काम है और साइंटिफिकली अरहम ने ये जनरेट किया है बहुत ही ब्रिलियंट वर्क है

अच्छा अगर कोई खरीदना चाहता है ये शर्ट कैसे खरीद सकता है हाँ ऑनलाइन मिलते हैं मुझे ऑनलाइन मिलते हैं उसमें कस्टमाइजेशन ऑनलाइन ऑनलाइन हैं इसमें आप ऑनलाइन अपना डिजाइन अच्छा, मतलब, भी बना सकते हैं शर्ट का नजारा भी सकते हैं कलर भी चेंज हो सकते हैं अच्छा तो इसकी प्राइस क्या है टेन हाँ, 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 था टेन थाउजेंड स्टार्टिंग है ये तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है हाँ शुरू शुरू में ये मैंने ये स्टार्ट किया था मुझे बहुत पड़ा है, कि में है नहीं बाहर से मैं पार्ट्स जो इमोट हुआ था जो चाइना से आते हैं वो पोस्टली बढ़ते हैं मुझे अरे ये चीज पास में बने को ये बहुत तो आप मतलब इसके इसको कैसे काम करती है या मतलब आप अपना ये जो पूरी शर्ट्स आप बनाते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा साइंटिफिक काम है टेक्निकल भी है तो किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं आप मेरा जो मेरे फ्रेंड्स है ना वो उनकी जो उनकी जो झेडी है ना वो सारी जेडी में है तो वो सारी उनकी हेल्प में हो तो, कुछ मेरी डिजाइन भी मेरी होती है कॉन्सेप्ट मेरा होता है वो आने जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो मेरी हेल्प होती है अच्छा इस शर्ट के काम करने के लिए वाईफाई का या ब्लूटूथ का ब्लू होना ब्लू जरूरी है ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है ये तो फ़ोन में आपने ऐप डाउनलोड की इसको ब्लूटूथ से ब्लू कनेक्ट किया और ये आराम से चल गई तो ये वॉशेबल भी है वाशिंग और मैं सबसे बड़ा चानी यही था आपने एक शर्ट बनानी है तो वो आपकी एन सी डी जो है वो फ्लैक् हो और वाटर प्रूफ भी हो ये सबसे बड़ा चानी मेरा यही था और मैंने किया। अच्छा ये किसी और शॉप वगैरह से हमें मिल सकती है मतलब वो लोग जो ये खरीदना चाहें मुश्किल है तो आपसे मतलब रहा करना पड़ेगा तो आपसे कैसे किया जा सकता है ऑनलाइन मेरा मेरा अकाउंट बना हुआ है अरहमार नाम पे ओके किस प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम में ओके okay, वो लोग जो ये शर्ट ख़रीदना चाहते हैं वो अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पर और ओबियसली ये शर्ट एक बहुत ही मतलब अमेजिंग और डिफरेंट चीज़ है सुनने में और बहुत मुझे अच्छा लगा सुनकर के मतलब इतना यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है जो इस तरह का काम कर रहा है और बहुत शुक्रिया अरहम आपका आपने हमें ज्वाइन किया थैंक यू सो मच मिस्टर सईद शमसी माशा आपने जो फोटी ईयर्स यू हैव बिन सर्विंग फॉर द डिफरेंटली एबल पीपल कैसे ख्याल आया आपको देखिए बात यह है कि ये इदारा तो बहुत अरसे से चल रहा था हाँ जी शुरू में हमारे भाई बैठे हुए हैं तो पता ही है मेडिकल कॉलेज के हमारे में हॉस्पिटल के बाहर जो ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती थी उसके बाहर लोग जो हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी से गुजरते थे उनकी जहाँ तक करेक्टिव सर्जरी वो तो हो जाती थी जी जी। करेक्टिव सर्जरी के बाद उस सर्जिकल एडमिश उसके बाद इंटरवेंशन के बाद उनको अपने पैर पर खड़ा करना उनको इस लायक करना कि वो उस पर बोझ डाल सकें चलें चल सकें तो फिजियोथेरेपी वर्ज एक्सपेक्टेड कि ये उनकी की जाए तो कुछ ख़वान ने उतर जो लोग थे हमारे लाहौर के कुछ उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक ऐसी जगह बनाते हैं तो मे हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर ही एक कमरे में फ़िजियोथेरेपी करनी शुरू की उन मरीज़ों की जो सर्जिकल इंटरवेंशन से गुजर चुके थे आहिस्ते आहिसे लोग फिर उन्नीस में सिक्सटी में हम इस जगह जहाँ पर मौजूद हैं एक सौ ग्यारह फिरोजपुर रोड पे यहाँ हमें किसी ने अपनी कोठी जो है वो हमें डोनेट कर दी अच्छा उस कोठी में हमने ये काम शुरू किया और जी ये फिजियोथेरेपी शुरू की और उस कोठी में हमने ये किया कि बच्चों को जो कि माजूर बच्चे थे उनको तालीम का काम भी शुरू किया अब अनफॉर्चुनेटली जब वो नैशनलाइज हुई तालीम हमारे यहाँ तो वो भी तालीम वो भी नेशनलाइज हो गई अब उस नैशनलाइज होने के बाद तो हम उस कोठी से हट के फिर उसकी साइड पे हमारे पास जो जगह थी उस पर हमने वो हॉस्पिटल बनाया और सारा कुछ बनाया बात ये है देखो अब एक बड़ा जमाना था कि पीपल सेलिंग वैलिंग डिसेबिलिटी उन्होंने कहा ये माजूर है इसको आगे बिठा दो गाड़ी में बिठा दो इससे पैसे कमा लो हाँ। पीर बना दो किसी घर में कोई माजूर का हाथ है रोपुर करम हो गया उन्होंने तो उसकी माजूरी को तो पीपल वर सेलिंग दिमाग बड़ा अजरखेज दियाता hmm. ये हूँ कि हमारे यहाँ के लोग देखे हमारे पास पी एस आर डी में वी गॉट्रेड बेड हॉस्पिटल वी गॉट अर्जिकल यूनिट जिसके अंदर हम रोजाना तकरीबन तो आठ नौ सर्जरीज करते हैं ये hmm. सर्जरीज आर करेक्टिव सर्जरीज़ बच्चे जो हैं वो क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं कुछ के और मसले हैं देन वी हैव दी ओ एंड पी और जहाँ पर हम और प्रोस्थेटिक्स भी लोगों को बना के देते हैं आर्टिफिशियल न्यूज बना के देते हैं फिजियोथेरेपी करते हैं विच इज़ पेन मैनेजमेंट तो हमारे जब लोग आते हैं वहाँ पर ओ पी डी में तो डॉक्टर्स असेस करते हैं कि दैट दे नीड टू गो थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशन या इनका जो पेन मैनेजमेंट है वो फिज़िकल फिजियोथेरेपी से हो सकती है तो वी डू दैट तो अब जो है हमारे पास दुनिया में लोग जो है वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे पास ये है आप दुनिया में आप जाए कहीं पर भी तो जो सर्जन है वो आपको घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी से गुजरना ज़रूरी है क्योंकि फिजियोथेरेपी करने के बाद वो बताता है आपको कि आप इस लायक हैं कि अपने काम खुद कर, सक कर सकते हैं कर सकते अपनी पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें अब आज इस दुनिया में जबकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं इतनी ज़रूरी आप घर बैठ के क्या कुछ कर सकते हैं तो आपकी वो जो एक आप थी, थी ना जिसे कहते हैं शॉर्ट कमिंग कि जी मैं चल के नहीं जा सकता चल के जाने की जरूरत नहीं है चीज़ आपके हवा खुद आ रही है ठीक है तो हम चाहते ये हैं कि लोग जो हैं

आपके पास जो लोग आते हैं उनके बैक एंड पे कोई होता है उनको कोई सपोर्ट कर रहा होता है कि दे आर ऑल अलोन क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं ऐसे लोगों को फैमिली भी डिस कर देती हैं और कोई एक्सेप्ट नहीं करता सोसाइटी में भी कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है ये ये एक थोड़ा सा जो है अलमिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लोगों की डिसबिलिटीज को सेल करते हैं लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ा जैसे जैसे शूर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इनको किसी न किसी तरह माशरे का एक फाल रुकन बनाया जा सकता है और वो और वो उनकी अल्लाह ताला ने हर एक को इस बेतहाशा एबिलिटीज दी हुई है कोई गाना बहुत अच्छा गाता, गाता है कोई सितार गाता है कोई पता चलता है कि कंप्यूटर का इतना एक्सपर्ट है कि हम उसके आगे तो हम तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग चल रहे हैं बात बात ये कि दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी तो अब इसीलिए आपको पता है अब दुनिया भर में पहले हम कहते थे जो था ना इंटरनेशनल ऑफ डिसेबल्ड था अब उन्होंने नाम बदल दिया ना वो दिस इज कम एज ऑफ डिफरेंटली एबल्ड दीज आर दीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड आपको अंदाजा नहीं है उनकी एबिलिटीज का हुँ. हम कोशिश करते हैं अब आप देखें ना हम तो डिसेबल जो बच्चे लोग हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं हुँ. उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक क्या वो काम कर सकते हैं तो हमारी वोकेशनल रिहेबलीशन जो है उसके अंदर हम उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने काम ख़ुद शुरू कर सकें तो जो ये आप कह रही हैं ना कि पीछे वो कुछ को हैं आता आ भी कम हो जाएंगे उसमें थोड़ी सी मेरी ज़ाती दरख्वास है हुकूमत जो भी लोग हैं उनको कि ये जो बेगर्स हैं वो आर सेलिंग द डिबिलिटी उनके ऊपर क्लैंप डाउन करें उनको पकड़ें और उनको जो है बहुत से इदारे हैं हमारा एक इदारा नहीं है बहुत से इदारे हैं जो डिसेबल लोगों के लिए उनको रहनमाई प्रोवाइड करते हैं उनको मेडिकल इंटरवेंशन अगर चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं देर लॉट ऑफ यानी पी एस आर डी इज ऑफ कोर्स वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट लेकिन बहुत से इदारे हैं तो उनकी तरफ रेफर करें शुरू में ज़रूर होता है कि ये एक बोझ हैं घर वालों के लिए लेकिन आप जब अंदाज़ा लगाएंगे आप उनको हुनर सिखा देंगे तो वो जब लेकिन यही लोग होते हैं जो बोझ नहीं होते लेकिन जाकर जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसी के साथ थैंक यू सो मच मिस्टर शमसी आपने हमें ज्वाइन किया आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया जुमला कहना चाहूं जी बिकॉज़ आई थिंक जिस दर से ये मुंसलिक हैं पीएसआरडी हां जी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टिट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड